ऑलराइट, वेलकम हो गया आप सभी का फिर से कार फॉर सेल सिमुलेटर के एक और एपिसोड में। तो भाई, तो यार मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसके अंदर मैंने लिया था एक चैलेंज। वो चैलेंज था कि मेरे को 2 मिलियन एक ही एपिसोड के अंदर कलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट आया था जिसके अंदर हम एक जो अपना शोरूम है उसको हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन भाई मैंने सोचा कि मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ और मैं लेता हूँ यहाँ पर $2 मिलियन कलेक्ट करने का एक ही बार में चैलेंज लिया था मैंने। लेकिन भाई यहाँ पर ये हुआ कि वो वीडियो रिकॉर्ड सही से हुई नहीं, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने पूरा हटा दिया, मैंने पीसी बंद करके रख दिया भाई, अब नहीं बना रहा मैं। तो भाई यहाँ पर दूसरा दिन हो चुका है, अब मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास हो गए थे $1.6 मिलियन करीब हो ही गए थे, लेकिन मैंने चेक करा भाई, देखूँ एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जब तक मैंने देखा वो वीडियो सही से रिकॉर्ड हुई नहीं है भाई, तो फिर मैंने हटाई दी। वैसे यहाँ पर रात हो चुकी है, मैं घर पर ही जाता हूँ सोने के लिए। अपने पास 1.6 मिलियन तो हो ही गए थे, वैसे मेरे पास इस टाइम अभी $8,22,000 बचे हैं। लेकिन भाई मैंने ये वाली एक कलेक्शन इकट्ठी करी है, एक बार तुम देखो, यहाँ पर है अपनी सुप्रा, फिर यहाँ पर अपनी आती है मस्टैंग। ये तो चलो नॉर्मली गाड़ी है इसके अंदर, लेकिन ये भी सुपर गाड़ियों में आती हैं यार, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर है एक पोर्श, ये भी चलो सही है। यहाँ देखो भाई, ये है अपनी ऑडी R8। भाई ये वाली गाड़ी है ना सबसे महंगी बिकती है, मैंने जितनी गाड़ी ली है उनमें सबसे ज़्यादा महंगी ये वाली गाड़ी बिकी है। मैंने इससे पहले एक और बार ली थी, लेकिन वो कह रहा हूँ ना वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उसके अंदर मैंने एक फरारी भी ली थी, फरारी मैंने दो ली थी, दो फरारी सेल कर दी और एक ऑडी R8 भी सेल कर दी। बहुत सारी मैंने लग्जरी गाड़ी ली थी, और हाँ ऑक्शन भी हुआ था जिसके अंदर भाई एक ऑडी R8 थी, एक ऑडी थी बढ़िया वाली, एक थी फरारी। भाई क्या ही ऑक्शन आया था, और मैंने सारी गाड़ियाँ ऑक्शन में से ले ली थी भाई। पहली बार मैंने चारों गाड़ियाँ ऑक्शन में से खरीदी डाली थी। बंदा वो भी कह रहा होगा भाई क्या ही खरीद डाला तुमने, पूरा ऑक्शन ही खरीद लो भाई, मेरे को पहले ही बोल देते मैं पहले तुम्हें दे देता। अब मैं जल्दी से इन चारों को भी सेल पर लगा देता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं जितनी महंगी हो सके उतनी महंगी गाड़ी लूँगा और उसको सेल करूँगा डबल प्राइस पे। और डबल प्राइस पे सेल करने के बाद मेरे को चाहिए कम से कम $5 मिलियन तो चाहिए चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए। मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ एक बार, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा डॉलर चाहिए इसको अपग्रेड करने के लिए। अपना जो शोरूम है तो यहाँ पर कहाँ है, एरिया मेरे को सबसे पहला बड़ा करना पड़ेगा, ऑफिस। तो यहाँ पर देख रहे हो $5 लाख में इतना छोटा सा एरिया बड़ा होगा, लेकिन 1 मिलियन में इतना बड़ा हो जाएगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना 1 मिलियन में ही इतना बड़ा कर लिया जाए, तो कम से कम यार 5 मिलियन तो यार कलेक्ट होने चाहिए ना अपने पास। तो देखते हैं भाई इस वाले एपिसोड में हम कितने डॉलर कलेक्ट कर पाते हैं। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, इसी में ही 5 मिलियन कर दूँ, लेकिन एपिसोड थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन चलो कोशिश करते हैं, सबसे पहले इन गाड़ियों को सेल पर लगा देता हूँ। और हाँ भाई एक चीज़ देखो, मैंने ये भी ओपन कर लिया था, मैं कह रहा था ना मेरे पे एक और स्किल पॉइंट होता तो मैं ये चीज़ खोल लेता। अब देखो भाई कितनी जल्दी अपनी गाड़ियाँ एकदम वॉश हो रही हैं, अब ये बढ़िया ना यार। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पे, लेकिन इस बार मैंने खोल लिया स्किल पॉइंट। और स्किल पॉइंट भाई बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें स्किल पॉइंट मिल जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ खुल जाती हैं। एक तो तुम्हारा एम्प्लॉय भी खुल सकता है, अब हम इसमें एम्प्लॉय भी रख सकते हैं एक। ओके, तो यहाँ पर अपनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं वॉश, और जल्दी से इनको मैं लगा देता हूँ सेल पर। भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट मेरे को जितनी हो सके उतनी गाड़ी आज सेल करनी है। मैं सबके फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ पहले, एक एक ये हो गई, एक ये मस्टैंग हो गई। सबसे पहले मैं लगाता हूँ ऑडी R8 को, ऑडी R8 का यहाँ पर ये रहा फोटो, ऑडी R8 हाँ ये रही ब्लैक कलर की। इसको मैंने $5,50,000 में लिया था, $1 मिलियन में मैंने इसको लगा दिया। भाई मैंने 5,50,000 की करी है, तो कम से कम उसको डबल तो देना चाहिए ना। 1 मिलियन में मैंने इसको लगा दिया है। और यहाँ पर है अपनी पोर्श है ना, ओके यहाँ पर पोर्श, इसको लिया था $1,72,000 में लिया था इसको, $3,50,000 में मैंने इसको सेल पर लगा दिया। और मस्टैंग को भी लगा सकता हूँ मैं भारी बार, ओ ये बढ़िया भाई, मस्टैंग को मैं भारी बार लगा सकता हूँ। 45 में लिया था इसको मैंने, इसको मैं लगा देता हूँ 80 लगा देता हूँ यार, मस्टैंग के लिए इतना 80 बहुत है यार। तो यहाँ पर मैंने 3 गाड़ी सेल पर लगा दी। और मैं कहूँ यार कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर ऑफिस क्लोज है थोड़ा, तो मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। भाई जल्दी से यार मेरे को शोरूम अपग्रेड करना है, मुझे नहीं लगता इस वाले एपिसोड में अपग्रेड हो पाएगा। लेकिन भाई मेरे को कम से कम $5 मिलियन कलेक्ट करने हैं, तब जाके हम अपने शोरूम को लग्जरी शोरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी एक कस्टमर आया है, और भाई जे देखते हैं भाई कितनी सेल होती है आज के दिन अपनी। 2 मिलियन तो अभी अभी हो जाएंगे, मैंने लिया था यार चैलेंज पिछले वाले एपिसोड में 2 मिलियन करने का, लेकिन 1.6 हो गए थे मेरे। $5,49,000 में दे रहा तू, निकल बेटा। ये वाला बंदा जो आता है ना कभी भी पैसे लेके नहीं आता भाई, कभी भी डॉलर रख के नहीं लाता अपनी जेब में, तू निकल। पागल वागल हो रहा है यार ये तो।
बहुत ही ज्यादा कम दे रहा है भाई, इतने की तो मैंने खरीदी भी नहीं है। भाई यार ऑडी R8 8 लाख तक की चली जाती है, मैंने पिछली बार भी सेल करी है इसको, मैंने करा था 7,80,000 डॉलर में, 8 लाख के करीब ही करी है भाई सेल मैंने ये। पहले एक बार एक और बंदा उससे पूछ लेता हूँ, ये तो सही दे रहा है। मस्टैंग यार 50,000 डॉलर से ज़्यादा बंदे प्राइस इतने ही देते, तू तो निकल बेटा। 51 दे रहा था शायद, ओके इससे करता हूँ 65 में ले जा बेटा, लास्ट ऑफर है, फटाफट भग के ले जा एकदम। नहीं ले रहा तो ऐसा कर 60 लास्ट लगा रहा हूँ तेरे लिए सिर्फ, भाई तेरे लिए 60 लास्ट लगा रहा हूँ, ले जा। चलो भाई यहाँ पर 60 में अपनी मस्टैंग जा चुकी है और अपने पास 9.52 लाख डॉलर हो गए हैं, 7.21 का आ चुका है, 8 लाख तो जाएगी जाएगी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा यार, बहुत कम है। नहीं यार इतने में नहीं सेल कर सकता मैं, कम से कम 3 लाख तो यार, 2.5 लाख से तो ऊपर ही ऊपर हो यार, ऐसा नहीं है यार, 2.5 लाख से ऊपर हो तो अच्छा है। यहाँ पर ऑक्शन चालू होने वाला भाई, मुझे ऑक्शन में जाना चाहिए, ऑक्शन जल्दी बैठ भाई। यहाँ पर वो तो सही है, अपने पास सुपरा है, परी गाड़ी लगाता हूँ मैं और जल्दी से एक टिकट दे भाई फटाफट। अभी तो कोई ढंग की गाड़ी आई नहीं है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक और गाड़ी आ जाए भाई बढ़िया सी तो मैं वेट कर लेता हूँ। ओ ऑडी R8 आ चुकी है, ये तो अपनी है भाई, ये तो मैं ही लेके जाऊँगा, जितना प्राइस लगाना है लगा लो, चाहे तुम इसको 6 लाख की भी कर दोगे ना, मैं उठा के लेके जाऊँगा इसको। लो भाई अब मेरी हो चुकी है, अब कोई नहीं लगाएगा इसको, 5,08,000 डॉलर में अपनी हो चुकी है ऑडी R8 भाई। अब मैं महंगी गाड़ियाँ ले रहा हूँ, छोटी गाड़ी लेने का यार अपना सिस्टम नहीं बनता है, क्योंकि छोटी गाड़ी लोगे तो मैं प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर एक बीटल आई है, ये कितने की? नहीं यार ये नहीं लेनी मेरे को यार, बीटल नहीं लेनी, तो यहाँ पर इसको मैं कार को टो कर भिजवा देता हूँ। वैसे मेरे को एक टो करने वाला ऑप्शन भी खोलना, तो मैं कह रहा हूँ ना भाई मेरे को अभी बहुत चीज़ अपग्रेड करनी है, उसके लिए मेरे को मिनिमम 5 मिलियन डॉलर तो यार मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये लो अपनी आ चुकी है ऑडी R8 और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है वाइट कलर में। मैंने ज़्यादातर गाड़ी ली है ना फरारी ऑडी R8 और ज़्यादातर वो ब्लैक कलर में और वाइट कलर में ही आई हैं, मतलब ब्लैक और वाइट में ही आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट कलर में आई है भाई। ओ नहीं 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 लो भाई ये ठुक चुकी है, ऐसा करता हूँ मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, इसको भिजवा देता हूँ रिपेयर के लिए। और एक कस्टमर जा चुका है यार ऑडी R8 का भाई, वो 7 लाख दे रहा था ना, ये कितना प्राइस दे 7 लाख, ओके ओके चलो बढ़िया है, मैं एक बार इससे पूछता हूँ, 7,60,000, 7,60,000 में इसको लेके जा भाई तेरी हुई है, अभी दे रहा हूँ फटाफट भग के जा। लो भाई 7,60,000 में अपनी ऑडी R8 बिक चुकी है। और यहाँ पर एक और गाड़ी थी ना मेरी मस्टैंग, मस्टैंग तो भाई बेच दी मैंने, सेल ही कर दी ना मस्टैंग तो। चलो यहाँ पर एक काम करता हूँ, रात ही हो गई है, रात में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा करता हूँ मैं जाता हूँ सोने, तो चलो भाई यहाँ पर सोकर आते हैं। अभी अपने पास हो चुके हैं 12, मतलब 1.2 मिलियन हो गए हैं अभी, और अपने पास एक ऑडी R8 भी है और एक है एक सुपरा है और एक पोर्श है, इन तीनों गाड़ियों को बेच के मेरे पे 2.2 मिलियन तो हो ही जाएंगे यार आसानी से। तो भाई यहाँ पर अपना लाखों में अब प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ हज़ारों में प्रॉफिट होता था अब लाखों में हो रहा है। कार मार्केट प्लेसेज ओपन, चलो भाई यहाँ से मैं डायरेक्ट कार मार्केट ही जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ कार मार्केट, और कार मार्केट में भाई अपने को मिल सकती है काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ यार, कोई अच्छी गाड़ी हो भाई, एक पोर्श आई है बस यार, लैम्बोर्गिनी वगैरह तो दे दो यार भाई, कोई गाड़ी नहीं दे रहा यार ये आजकल, बिल्कुल बस पोर्श ही पोर्श आ रही है, काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। यहाँ पर ये 1,40,000 में दे दे भाई इसको, अभी नहीं दे रहा भाई, ऐसा कर तू 1,60,000 लास्ट है बेटा, इसके बाद नहीं लगाने वाला मैं। लो भाई 1,60,000 में ये अपनी हो चुकी है, मुझे लग रहा 1,50,000 में ये दे ही देता, मैंने इसको रिपेयर पर भिजवा दिया है। और कोई गाड़ी है यहाँ पर जो मैं खरीद सकता हूँ? नहीं भाई, अब तो भाई ऐसा हो रहा है कि भाई पोर्श मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी वगैरह इन गाड़ियों से मैं नीचे आ ही नहीं रहा हूँ भाई। और ऐसा करता हूँ मैं अपने शोरूम का नाम भी चेंज कर लेता हूँ, रख लेता हूँ लग्जरी मोटर्स, नहीं लग्जरी शोरूम, बढ़िया यार अपने शोरूम का नाम। चलो यहाँ पर अपनी लग्जरी गाड़ियाँ आएंगी, अपनी दो गाड़ियाँ उस पर लगी हैं, एक स्किल पॉइंट भी खुला हुआ है अपना, कहाँ गया, अरे मैं ये क्यों खोल रहा हूँ भाई, स्किल पॉइंट में एक तो मैंने एक गन की स्पीड बढ़ा सकता हूँ, सोच रहा हूँ गन की स्पीड ना बढ़ाते हुए मैं एक ये वाला खोल लेता हूँ, एम्प्लॉय कार वॉश, तो कार वॉश का एक और स्किल पॉइंट चाहिए, मैं कार वॉश का एम्प्लॉय और खोल लूँगा, तो एम्प्लॉय वो अपनी कार वॉश खुद कर देगा, तो चलो बढ़िया है। यहाँ पर इसको रिपेयर कर भाई, इसको भी रिपेयर कर दे। चलो भाई यहाँ पर अपनी ये रिपेयर हो चुकी है, अपनी पोर्श लगी है और कोई कस्टमर आया है शायद पोर्श पे, तो मैं जल्दी से जाता हूँ, थोड़ी गंदी हो रही होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितने दे रहा है तू इसके? 2,20,000, चलो सही है भाई, 2,60,000 में दे रहा है तो ले जा भाई अभी।
लो भाई 260,000 ले जा चुका है ये, और अपनी सुपरा भी है, इसको भी मैं सेल पर लगा देता हूँ भाई। मैं जितनी गाड़ी हो सकता है मैं उतनी गाड़ी सेल पर लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यार बहुत चीज़ अपग्रेड करनी है, अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है ज़्यादातर समझ लो। ये ली थी मैंने 55, 1 लाख में इसको लगा देता हूँ, इसको लगा दिया है सेल पर, और जल्दी से मैं हटाता हूँ और इन दोनों गाड़ियों को भी लेके आता हूँ। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ ऑडी आरूट को सेल पर, क्योंकि 1.3 मिलियन तो मेरे पास डॉलर करीब कुछ हैं अभी। इसको मैं टो कर भिजवा देता हूँ ना लो भाई, और इसको तो मेरे को खुद चला कर जाना पड़ेगा। कहाँ है बे ये रहा, एंटर। लो भाई मैं इसलिए कोई भी चीज़ अभी नहीं खोल रहा हूँ, एक तो मेरे को टो करवाने का ऑप्शन और खोलना है, मैं इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि मैं सारे कलेक्ट ही कर लेता हूँ भाई पहले। और ये क्या काफिला बना के चल रही है भाई गाड़ियाँ, मैं सबसे पहले कलेक्ट ही कर लेता हूँ ना 5 मिलियन, तभी जाके मैं डायरेक्ट सारी चीज़ खरीद दूँगा। तो इसको भी लगा देता हूँ मैं एक बार। इसकी स्पीड कितनी है मैंने चेक नहीं करी, मैंने तुरंत ली थी और मैंने तुरंत सेल पर लगा दी थी इसको, लेकिन चलो सही है भाई, वो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले अपना टारगेट यही है कि अपने को 5 मिलियन डॉलर करने हैं ना, तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। ठुकनी नहीं चाहिए भाई, ऑडी आर8 है, महंगी गाड़ी है बहुत इसके अंदर। एक हाँ भाई, इसके अंदर और एक रेयर कार है, एक तो डॉज वाइपर है, और एक है हाँ निसान GTR, और एक है फरारी की। हाँ फरारी तो मैं भूल ही गया था, तो इसको भी मैंने 1 मिलियन डॉलर में लगा दिया है सेल पर। वो भाई एक कस्टमर आया था, हाँ ये रहा एक कस्टमर, इसकी और देख लेता हूँ ऑडी आर8 का कितना प्राइस दे रहा है। दे रही है भाई, दे रहा नहीं दे रही है, एक बार माइक सेट कर लूँ। 7,33,000 दे रही है, तो ऐसा कर 7,80,000 भाई, सबका मैं 7,80,000 लगा रहा हूँ। ले जा भाई, मतलब 8 लाख में डालूंगा और 7,80,000 में बेच दूंगा। तो बढ़िया भाई, एक और बिक चुकी है अपनी ऑडी आर8 भाई, ये लो 2 मिलियन तो यार हो ही गए मेरे पास आसानी से। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ना, मुझे लग रहा है 2 या 4 मिलियन भी आसानी से हो जाएंगे यार, 4 मिलियन तक मैं कर लूँगा आज के आज। तो इसको भी लगा देता हूँ सेल पर, ये लो यहाँ पर मैंने इसको भी लगा दिया। और हाँ आप कितने दे रहे हो इसके, अपनी टोयोटा सुपर, भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है सुपर, आपने सुपर देखी होगी लेकिन ये सुपर है। 88 काफ़ी ज़्यादा सही दे रही है भाई, 95 लगाता हूँ इसको, चल 95,000 में ये ले दे तो बढ़िया है। 95 आई थिंक, लो भाई 95 में जा चुकी है भाई। भाई अपने को बहुत बढ़िया तरीके से सेल करना आ गया है, और मैं एकदम फास्ट सेल कर रहा हूँ अपनी गाड़ियों को। मैंने अभी 2-3 मतलब मैंने 5-6 गाड़ियाँ तो यार फास्ट सेल कर दी। एक काम करता हूँ नेबरहुड में चेक करता हूँ, शायद कोई गाड़ी हो नेबरहुड में, मर्सिडीज़ वगैरह होगी तो भी मैं खरीद लूँगा। अरे क्या हो गया ये भाई, ये क्या हुआ, इसका प्राइस 1,60,000, इसको 3 लाख में लगा देता हूँ। 3 लाख, लो भाई 3 लाख में इसको लेके जाओ भाई जल्दी फटाफट, मतलब तुम्हारी गाड़ी है यार तुम्हारे भाई के शोरूम में, जल्दी लेके जाओ फटाफट। और कार मार्केट ओपन है, कार मार्केट में वैसे कोई बढ़िया गाड़ी थी नहीं, लेकिन एक काम करता हूँ कार मार्केट चेक करके आता हूँ मैं, नहीं कार मार्केट नहीं नेबरहुड चेक करके आता हूँ। नेबरहुड ये रहा, नेबरहुड में कोई बढ़िया गाड़ी है क्या, एक मर्सिडीज़ दे दो भाई मेरे को, मैं भी लेके जाऊँगा। यहाँ पर कोई अच्छी गाड़ी नहीं दिख रही है, पता नहीं कौन सी है ये नहीं लेनी भाई, ये दो तीन मतलब 10-10, 20-20 हज़ार की गाड़ी हैं, इनको लो। और क्या कहते हैं, ये प्रॉफिट भी भाई उतने ही 10-10, 20-20 हज़ार का कराती हैं। तो ये कितने की है, ये टोयोटा की कोई है, ये भी 21,000 की है, नहीं बेकार है भाई। तो भाई फाइनली मेरे को यहाँ पर एक सुपरा दिख चुकी है, ये सुपरा प्राइस देखता हूँ इसका कितना है एक बार। 72 भाई, बहुत ही ज़्यादा दे रहा है यार इसका प्राइस यार, लेकिन डैमेज नहीं है बिल्कुल। एक काम करता हूँ इससे बारगेन करता हूँ, 55 में दे दे भाई, बहुत बढ़िया यार अपने लिए, ये देगा देगा, ये मेरे को नहीं लगता भाई देगा 55 में। लास्ट 60 लगा रहा हूँ इसको, अगर 60 में दे देता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। लो भाई 60 में अपने पास आ चुकी है ये, अब इसको मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ यार, चलो भाई इसी को चला के चलता हूँ ना बस स्टैंड तक, बस स्टैंड से भाई अपना वो ले लेंगे। यहाँ पर एक टेस्ला भी है भाई, टेस्ला भी खरीद लेता हूँ ना मैं। लो रुको रोक भाई, यहीं पर ही रोक। टेस्ला ये कितने की दे रही है, बिल्कुल डैमेज नहीं है भाई, सही दे रही है टेस्ला। ऐसा कर 45 लगा रहा हूँ इसके, जल्दी दे दे भाई, दे दे, तेरे काम की कोई गाड़ी नहीं है। लो भाई 45 में ये आ चुकी है अपने पास, इसको मैं रिपेयर पर, के अंदर कोई डैमेज ही नहीं है, रिपेयर पर क्या जाएगी। एक और टेस्ला खड़ी है यहाँ पर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओ टेस्ला ये काफ़ी डैमेज लग रही है भाई मेरे को। लो भाई 33% डैमेज है ये, 45 ये मेरे को भाई 30 में दे दे तो बढ़िया ही है भाई। लास्ट और लगा लेता हूँ 37 भाई, इसके आगे मैं नहीं दे सकता क्योंकि डैमेज है भाई ये, बहुत बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। लो भाई 37 में आ चुकी है, इसको रिपेयर पर भिजवा देता हूँ। लो भाई यहाँ पर मैं अपनी सुपरा को भी लेकर आ चुका हूँ रिपेयर करवाने के लिए, इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पर। ले भाई इसको भी रिपेयर कर दे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है भाई।
ले भाई इसको तू रिपेयर कर, लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डैमेज था लेकिन सही प्राइस में मिल गई। कार मार्केट प्लेसेस ओपन है, पोर्श लेने कोई कस्टमर आया, मैंने कस्टमर पे तो ध्यान दिया ही नहीं भाई, अपनी पोर्श भी खड़ी है थोड़ी देर से खड़ा हुआ है। तो एक काम करता हूँ भाई, देखता हूँ ये कितने, 177 भाई, पागल है क्या? निकल भी तू, तू निकल। एक और कस्टमर आया, जल्दी बताओ। 270,000 डॉलर में इसको लेके जाओ भाई, तुम्हारी हुई है। अगर अभी ले लेता तो बढ़िया है, इससे सस्ती कहीं नहीं गाड़ी मिलेगी तेरे को। एक काम करता हूँ, 260,000 डॉलर में लेके जा भाई इसको, इससे सस्ती भाई गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लो भाई 260 डॉलर में जा चुकी है। लो भाई यहाँ पर हो चुकी है रात, भाई देख रहे हो टेस्ला क्या ही लगती है ना रात में। और इसकी स्पीड दिखाता हूँ तुम्हें भाई, ये देखो। ओ और ड्रिफ्ट देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ड्रिफ्ट है भाई टेस्ला की, काफ़ी ज़्यादा मस्त भी गाड़ी है। और बिल्कुल आवाज़ करे और इतनी स्पीड तो भाई बढ़िया ही है। इसके अंदर नॉस वॉस नहीं है, इसके अंदर कहाँ से होगा भाई नॉस वगैरह। इसको खड़ी कर देता हूँ यहीं पर ही, और अपनी दो गाड़ी शायद लगी है वहाँ पर रिपेयर के लिए। लो भाई यहाँ पर मैंने इसको पार्किंग पे लगा दिया, और जल्दी से सो कर आता हूँ सबसे पहले तो मैं। अभी हमने क्या कहते हैं 1 मिलियन डॉलर का तो फायदा करा है भाई, आज हमें रिजल्ट मिला है भाई तगड़ा, मतलब कल मिला था, अब तो सुबह हो गई। देख रहे हो भाई एक दिन में तुम्हारे भाई ने 1 मिलियन कर डाले, कहाँ भाई मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया था उसमें। लो भाई यहाँ पर एक कचरा सब हटा देता हूँ, भाई एक काम करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय रख लेता हूँ और वो सारा कचरा वचरा सब फेंक देगा। तो सबसे पहले भाई एक एम्प्लॉय देखना पड़ेगा यहाँ पर, कोई दिख रहा है क्या एम्प्लॉय तुम्हें? मतलब कोई बैगर वगैरह कहीं बैठा हो भाई? यहाँ पर शायद बैठा रहता था एक आगे की तरफ, नहीं है भाई कोई बैगर दिखी नहीं भाई। जब ज़रूरत पड़ती है तब कोई नहीं होता, वरना इतनी देर से वो बैगर खड़ा हुआ था। और ये इसके अंदर कोई डैमेज नहीं था ना। ले भाई सुपरा में लेके जा रहा हूँ इसको। तीनों गाड़ियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं एकदम क्लीन, इनको मैं लगा देता हूँ, फोटो पहले क्लिक कर लेता हूँ। ये लो सबसे पहले टेस्ला की बारी, ये कौन सी है? टोयोटा सुपर, सुपरा की बारी है सबसे पहले 1,10,000 डॉलर में। लो भाई इसको सेल पर लगा दिया। अब है अपनी टेस्ला की बारी, और ये थी 45 की, इसको लगा देता हूँ 90। एक और टेस्ला कहाँ गई? टेस्ला हाँ ये रही, इसको लिया था 37 में, इसको भी मैं लगा देता हूँ 80 में। भाई जल्दी लेके जाओ यार टेस्ला वगैरह, इन सब गाड़ियों को ले जाओ भाई फटाफट, इनको भग कर लेके जाओ और जल्दी से इनके कस्टमर आते हैं। वैसे अभी कुछ ओपन हुआ है नहीं हुआ है भाई कार मार्केट, कार प्लेस कुछ तो ओपन हो जा ना। कार मार्केट ओपन है और ना ही नेबरहुड में, तो हो गई। एक कस्टमर आया, और किसका ये? सुपरा देखने के लिए आया है भाई। लो भाई परफेक्ट सुपरा तुम्हारे लिए, तो बस सूट करेगी भाई बिल्कुल। देख रहे हो व्हाइट कलर की है, तुम्हारा काला चेहरा बिल्कुल सूट नहीं करेगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और ये 85 की दे रहा है, काफी अच्छा प्राइस दे रहा है ये, काफी अच्छा भाई, बिल्कुल बेकार दे रहा है। ऐसा कर 95 में देगा क्या? 95 में देता है तो भाई अपने लिए बहुत बढ़िया है। लो भाई 95 में जा चुकी है, और जल्दी से इसको और लेके जाओ। वैसे मैं 1 लाख की और लगा सकता था यार, 1 लाख में ले जाते यार सुपरा को। 80,000 डॉलर में मेरे को लगता नहीं ये लेगा NI/60 से। ऐसा कर बेटा तुम ना यहाँ से सीधा निकल जाओ, यहाँ से निकलो बेटा। एक और कस्टमर, जी बोलिए मैडम जी, आपको कितने में प्राइस में चाहिए? 2020 मॉडल है बस, 3 ईयर ओल्ड, 75,000 लगा रहा हूँ तेरे लिए, जल्दी ले कर जा इसको। नहीं ऐसा कर निकल, बहुत दिमाग ख़राब कर लिया भाई इसने। और कोई कस्टमर है? जल्दी आ जाओ, दो टेस्ला खड़ी हैं भाई अपने पास, और ना कार मार्केट प्लेसेस ओपन है और ना कोई ओपन है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा करता हूँ मैं दोबारा से सोकर आता हूँ, दोबारा से सोकर। ऐसा भी होता है कि मैं दिन में सो जाऊँगा ना तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। मेरे पास 1.3 या 4 मिलियन तो हो ही गए हैं, 3 मिलियन, चलो 3 मिलियन भी हो जाए अपने लिए बहुत है भाई इस वाले एपिसोड में, तो 3 मिलियन कर लेता हूँ। कस्टमर ऑफिस है, कार मार्केट प्लेसेस ओपन। लो भाई कार मार्केट जाता हूँ सबसे पहले मैं। लो यहाँ पर कार मार्केट, 3 मिलियन हो जाए भाई बहुत बढ़िया बात है। एक ऑडी है यहाँ पर, ओके 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 भाई, कोई गाड़ी नहीं आई है भाई यार। एक BMW है यहाँ पर, सही चली जाती है भाई ये वाली, मैंने एक बार बाय करी थी लेकिन ये चली जाती है सही में 45 में भाई। लास्ट ऑफर है, लास्ट ऑफर दे रहा हूँ, देनी है तो दे भाई। एक गाड़ी खरीदी, एक यहाँ पर ये वाली गाड़ी है, ये कितने की एक बार पूछ लेता हूँ भाई। 1,88,000, ऐसा करता हूँ 1,40,000 डॉलर, 1,40,000 में नहीं दे रही है, ऐसा कर 1,50,000 भाई। ये लास्ट है, इसके आगे मैं नहीं लगाने वाला। भाई ये क्या गाड़ी है भाई, इतना तो यार बंदे लैम्बोर्गिनी इसमें कम कर लेते हैं, लेकिन लो भाई कर लिया 1,60,000 में अपने को आ चुकी है। कहाँ गई ये गाड़ी? और ये मुझे पता नहीं है कैसी गाड़ी है भाई, मतलब ये वाला मॉडल ये है, ये देख रहे हो भाई क्या ही गाड़ी है। एक यहाँ पर ऑडी R8 है, इसको भी ले लेता हूँ मैं। ये कितने की दे रहा है वैसे? ऑडी R8 नहीं, ऑडी TT है, 80,000 डॉलर की। ऐसा कर भाई तो इसको दे दे 12,000 डॉलर में, 14 में तो दे दे यार,
बहुत अच्छा नहीं दे रहा 14 में भी, ऐसा कर 16 भाई, लास्ट है 16 में दे दे भाई, इसके बाद नहीं लगाने वाला ना मैं। लो भाई हो गई 16 में अपनी ये, इसको मैं टो करवा देता हूँ। और एक और गाड़ी थी ना, एक ऑडी खड़ी है यहाँ पर, ऑडी ये कितने की है, ऑडी 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 S5 है 14,000 की। ऐसा कर इसको दे दे 10,000 में, 10,000 में नहीं दे रही है, ऐसा कर तू इसको 11,000 डॉलर में दे दे। तो भाई लास्ट ऑफर है मेरे पे, 12,000 में इसको दे दे, इससे आगे नहीं लगाने वाला मैं। चलो भाई ये भी हो चुकी है 12,000 में अपनी, तो इसको भी मैं रिपेयर पर लगवा देता हूँ। और कौन सी है, ये तो बेकार है, टेस्ला है एक। ऐसा करता हूँ अब छोड़ता हूँ, अब यहाँ पर चलता हूँ मैं इस गाड़ी को लेकर, जल्दी जाता हूँ एक बार टेस्ट करके देखते हैं भाई ये गाड़ी इतनी महंगी किस लिए है, ये इतनी महंगी गाड़ी क्यों है भाई, ये एक बार टेस्ट करके देखो। भाई ऐसा क्या है भाई इस गाड़ी में, मेरी ये समझ में आ रहा है इतनी महंगी क्यों है ये। लेकिन स्पीड तो काफ़ी है भाई इसकी, स्पीड तो है ये तो मान लिया, लेकिन हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है भाई इस गाड़ी की। लेकिन इसमें कोई किट वगैरह नहीं लगी, ना ड्रिफ्ट किट है ना कुछ है। चलो ऐसा करता हूँ इसको भी रिपेयर पर लगवा देता हूँ। वो भाई बहुत सारे कस्टमर खड़े थे शायद, मेरे को लग रहा वो गायब ही हो गए। एक काम करता हूँ इसके कस्टमर आए, तो ये कितने की दे रही है, ये मैंने 37 में खरीदी 63, चल ले 75 लास्ट है तेरे लिए, ले जल्दी लेके जा भाई फटाफट। नहीं ये नहीं मान रही भाई, 70,000 लास्ट लगा रहा हूँ, लेके जा इसको। लो भाई इन्जॉय कर तू, जा मज़े ले, इसको भी रिपेयर करवाना है मेरे को। अबे मैं फिर से बैठ गया भाई इसके अंदर, एक कस्टमर आया है इसका टेस्ला का, जल्दी बताओ आप कितना प्राइस दे रहे हो। ये तो कबीर सिंह की तरह भाई चश्मा लगा के आती है, ये 69 दे रही है 45, ऐसा कर तू 70,000 में इसको लेके जा भाई अपने घर पे, प्राइस इज टू हाई, ऐसा कर तू 65 लास्ट लगा रहा हूँ तेरे को, लेके जा भाई इसको। लो भाई 65 में लेकर जा चुकी है, लेकिन एक कस्टमर आया था, ये सारा ट्रेस मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ओके भाई कार मार्केट में यार कोई महंगी गाड़ी नहीं आ रही, मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है, कोई महंगी गाड़ी आए यार, फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, और टाइप की कोई गाड़ी नहीं आ रही, अपना एपिसोड बड़ा हो जा रहा है फालतू में। इसको टो करवा कर भिजवा देता हूँ, इसमें कोई डैमेज नहीं है ना। नो भाई तो ये ले, अरे एंटर क्यों करना है भाई मेरे को कार, ये लो टो करवा दी इसको, ये कितनी डैमेज रहेगा ये भाई, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है यार, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है डैमेज होने में। इस कार को भी मैं रिपेयर करवाने के लिए लगवा देता हूँ, ये ले भाई इसको भी रिपेयर कर दूँ, और मैं जल्दी से जाता हूँ उन दोनों को सेल पर लगा देता हूँ। वैसे मेरे पास 2.3 मिलियन डॉलर तो हैं अभी, और इसको सेल पर लगाता हूँ सबसे पहले। गंदी तो नहीं है एक बार देख लेता हूँ, चलो गंदी है लेकिन स्किल पॉइंट मिल जाएगा मेरे को इसका वॉश करने का। एक BMW है यहाँ पर ली थी 45 में, इसका लगा देता हूँ मैं 80,000। कस्टमर आया है जल्दी बता भाई इसके कितना प्राइस दे रहा तू, 70 में भाई तेरे लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, तेरे पे सूट भी करेगी। लो भाई 70 में जा चुकी, जितनी जल्दी गाड़ी बिक रही है मैं उतने सेल कर ही दे रहा हूँ भाई। ऐसा करता हूँ इसको भी लगा देता हूँ सेल पर, ऑडी R8, ऑडी ऑडी S5 है ना, तो ये 12,000 की ली थी मैंने, इसको 40 में लगा देता हूँ। लो भाई 40,000 में इसको लेके जाओ, 20 से ऊपर भी चली जाएगी तो भी अपने लिए बढ़िया है, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं है ना। इसको टो करवा देता हूँ, इसको मैं लेकर जाता हूँ चलाकर, इसको भी मैं लगा देता हूँ पार्किंग पर। और एक कस्टमर आया है इसका, भाई कितना प्राइस दे रहे हो तुम, 80,000, चल ऐसा कर 25। ये वाली ऑडी है ना बहुत कम ही सेल होती है यार, मैंने देखा है, ऐसा कर तू तो निकल बेटा, इतनी भी कम में सेल करनी यार मेरे को यार। एक और इसको और लगा देता हूँ मैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं दोबारा से सो कर आता हूँ और देखता हूँ यार कार मार्केट में यार कोई बढ़िया गाड़ी आ जाए। कार मार्केट में भाई सही मिल जाती है यार, ऑक्शन में बहुत ही कम चांस है कि अपने को गाड़ी मिल जाए। कार मार्केट, कार मार्केट, लो भाई कार मार्केट ओपन है, और काश काश एक गाड़ी हो बढ़िया। यहाँ पर एक ऑडी R8 है, मनी ऑडी TT है भाई, ऑडी R8 कह रहा हूँ मैं, ये ले भाई ये कितने की दे रही है ऑडी TT, ऐसा कर 38, ऐसा कर 30 की दे दे तू, तेरे लिए बहुत कम प्राइस लगा रहा हूँ, चल 30 में दे ही देगी यार, 30 में नहीं दे रही है, ऐसा कर 33, चलो 33 में ये अपनी हुई, इसको टो करके भिजवा दिया मैंने। अब चलता हूँ कार मार्केट में, भाई कार मार्केट प्लेस में यार कोई बढ़िया गाड़ी दिख जाए मेरे को, मैंने देखा नहीं है अभी। लैम्बोर्गिनी हो, लैम्बोर्गिनी, ऑडी R8 है भाई। लो भाई अपना काम हो गया यहाँ पर, भाई एक BMW है और एक ऑडी R8 है, ये कितने की दे रहा है ऑडी R8, बहुत बढ़िया, अपने को ऑडी R8 मिल ही गई फाइनली। चलो इसको 5 लाख लगाता हूँ, ले भाई 5 लाख में तुरंत दे दे अभी इसको, मैं भी लेके खरीद के जाऊँगा ले। लो भाई कहाँ ये 6 लाख समथिंग दे रहा था, मैंने 5 लाख में ही खरीद लिया इसको,
चलो यहाँ पर एक और BMW की गाड़ी है, 50,000 लगा रहा हूँ, दे दे भाई। 9,000 तो कम कर ही लेगी यार। चलो इसने 9,000 भी कम कर लिए हैं इस गाड़ी में, और इसको रिपेयर पर लगवा देता हूँ। और कोई गाड़ी है क्या भाई? मैं सब खरीद सकता हूँ इस टाइम अभी। तो भाई जल्दी से मैं इस गाड़ी को ले चलता हूँ अपने शोरूम पर। लो भाई मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके बहुत सारे कस्टमर आए हैं। अरे कहाँ कहाँ पार्क कर दी भाई मैंने, ये देख रहे हो? अबे अब तो मैं उतर ही नहीं सकता ना। ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ यार। ले भाई उतरता हूँ भाई, मैंने कहाँ ही पार्क करी है मैंने जल्दी जल्दी में। और ये कितने इधर कस्टमर लौट रहे हैं भाई इसके, सेम प्राइस। ले भाई तू ऐसा कर, लेके जा इसको, जा सेम प्राइस में ले गया भाई, वो बहुत बढ़िया अपने लिए, बहुत ही अच्छी बात है भाई। सेम प्राइस में लेके गया इसको मैं रिपेयर पर, कोई रिपेयर की खाली है? चलो एक बार देख लेता हूँ, शायद मेरी दोनों गाड़ी रिपेयर पर लगी है ना। अरे भाई अरे भाई, एक स्किल पॉइंट है, दो स्किल पॉइंट तो नहीं है बस। चलो एक और स्किल पॉइंट चाहिए मेरे को, मैं कार वॉश करने का खोल दूंगा, मेरे को कार वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो भाई देयर इज़ नो डैमेज, और इसके अंदर देयर कार इज़ नो डैमेज, भाई ये बढ़िया यार। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑडी R8 को भी रिपेयर के लिए भेजा था, लेकिन ये क्या ऊपर लग गई है भाई मेरी ऑडी R8। कुछ होना नहीं चाहिए भाई, बहुत महंगी गाड़ी है बेटा, तेरा घर बिक जाएगा इसमें, तेरा घर जाएगा अगर तूने इसको कुछ कर दिया तो। टो के लिए कोई गाड़ी नहीं है? ऐसा करता हूँ कार मार्केट तो ओपन है ना, कार मार्केट से तो मैं लेके ही आया हूँ भाई ऑडी R8। चलो मेरे पास अब इतनी गाड़ी है कि इन गाड़ियों को मिला के मेरे पास 3 मिलियन तो हो गई भाई। अपना चैलेंज पूरा हुआ यहाँ पर, 2.5 मिलियन करीब कुछ है अपने पास। एक ऑडी R8 है और एक ये वाली भी गाड़ी है BMW। अपनी ऑडी R8 ही भाई 8 लाख तक आराम से सेल हो जाएगी, तो यहाँ पर अपने 3 मिलियन तो डॉलर हो ही चुके हैं। और यहाँ पर अपने पास एक सुपरा भी है, एक ऑडी TT भी है, एक BMW भी है, तो भाई कम से कम 2.3 मिलियन करीब, 3.3 मिलियन डॉलर तो हो ही गए समथिंग भाई। तो यहाँ पर अपना चैलेंज होता है पूरा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।